क्या वो? जाने दो। तुम बताओगी? कोई फायदा है? मतलब सीधे बोलना ही नहीं है। ये मनीषा क्या है? कब तक मुझसे ऐसे बात करेगी वो? अब क्या हुआ? अरे मैं किचन में गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था, लेकिन मैं वहाँ पहुंची तो उसने ऐसे शो किया जैसे मुझे किचन में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें किचन में नहीं होना चाहिए। क्या? तुम्हें किचन में नहीं होना चाहिए क्योंकि किचन का सारा काम माँ ने मोनिशा को सौंपा। वाह, तुम शो तो ऐसे करते हो जैसे तुम मोनिशा को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि उसे खाना बनाना तक नहीं आता। खाना बनाने के लिए कोई शेफ की तरह एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं अच्छे से जानता हूँ मोनिशा को, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। जब खाना बनाना नहीं आता तो मैनेज कैसे करेगी? क्या काम कर लेगी वो? उसको कोई काम करना नहीं है, वो काम करवाएगी, और काम कैसे निकलवाना है वो अच्छे से जानती है। समझ गई या और समझा? तुम्हें समझाना है तो मोनिशा को समझाओ, क्योंकि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अबला नारी मजबूर होकर चुपचाप सुनती रहूंगी तो ऐसा नहीं है। मैं अच्छी हूँ आरवी, लेकिन अच्छों के साथ अच्छी हूँ। उसने जो मुझे कहा है ना, मैं उसे ऐसा जवाब दे सकती थी कि वो पूरी लाइफ याद रखती। क्या हुआ, सुना नहीं जा रहा? नहीं मतलब मैंने इस तरह गलत तो कहा भी नहीं जिस तरह वो कहती है। और आई नो तुम्हें ये सब सुनकर भी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन आरवी तुम ना मुझे एक बात बताओ, अगर वो किसी काम में अच्छी है तो मुझे बुरा बताना जरूरी है? नहीं, तुम उसकी इतनी साइड लेते हो तो मुझे इतना तो बता ही सकते हो ना, अगर वो किसी काम में अच्छी है तो उसका मुझे बुरा बताना जरूरी है? देखो मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। तुम सही कह रहा हूँ, मैं मेरे NRI क्लाइंट्स आने वाले हैं तो मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ प्लान करना है कि उन्हें इम्प्रेस कैसे करूँ, कैसे बताऊँ कि बिजनेस में हम सबसे टॉप पे हैं, हमारे सर्विसेज नंबर वन है, और तुम मुझे ये लड़कियों वाली फालतू बकवास बोल रही हो कि वो पता नहीं क्या कह रही है, तुम कुछ कह रही हो, आई डोंट केयर। ओके, इस सब बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे किसी और चीज़ पे फोकस करना है, इस सब पे नहीं, इनफैक्ट अभी क्या, कभी भी नहीं। ठीक है तो तुम भी सुन लो, अगर उसने मुझे कुछ भी कहा और मैंने उसे पलट कर जवाब दिया तो तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, ये सारे मैटर अब मैं खुद ही हैंडल करूंगी। शॉक्स, यू मोस्ट वेलकम, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, डोंट डिस्टर्ब। मैंने मोनिशा के बारे में कहा तो ऑफकोर्स तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, हद है, गलत को गलत कहने में भी इसे प्रॉब्लम है, अगर मैं जरा सा कुछ कह दूं तो मेरे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अगर मोनिशा कहे तो? अब किसी ने मुझे परेशान किया ना, मुझे जो करना चाहिए होगा मैं वो करूंगी, बहुत हो गया। अगर अब मोनिशा ने अपनी हद पार की ना तो मैं उसे ऐसा जवाब दूंगी कि उसने कभी लाइफ में नहीं सुना होगा।